नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेटीएम की जो केवाईसी पॉइंट होता है, जिसे आप बीसी पॉइंट कहते हैं, दोनों सेम ही हो गया है अब तो, उसको आप कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर हो सकता है यहाँ पर लंबा हो जाए, तो आपको यहाँ पर जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसमें आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस सही से समझ आ सकेगा और यहाँ पर बेहतर इन्फॉर्मेशन आप ले सकेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर जो ये पेटीएम का केवाईसी पॉइंट होता है और बीसी पॉइंट होता है, इसमें आपको सर्विसेज जो मिलती हैं यहाँ पर, देखिए आपको एक तो पेटीएम का यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का पूरा एक्सेस मिलता है, यानी कि आप कस्टमर का बैंक अकाउंट खोल सकते हैं यहाँ पर और उसका कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफर वगैरह यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज का जो मिलेगा पूरा एक्सेस, और ट्रेन टिकट बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बिल भुगतान की भी सर्विस मिलेगी और भी बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी जो आप यहाँ पर एक साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर केवाईसी का जो पेटीएम केवाईसी होती है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो अथॉरिटी मिल जाएगी, आप यहाँ पर पेटीएम की केवाईसी भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, अब हम जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक शॉप होनी चाहिए जो आपकी खुद की होती है, तो भी आपका यहाँ पर चलेगा। यदि आप रेंट पर चला रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिए, नंबर दो पे आपके पास एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप होना चाहिए या कोई भी पीसी होना चाहिए जिसपे आप यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीसी की भी यहाँ पर आवश्यकता रहती है। अब देखिए, आपके पास सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए जो एक बायोमेट्रिक डिवाइस होती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर कस्टमर का जो कैश पेमेंट वगैरह जो करेंगे उसके लिए इसकी आवश्यकता होगी। अब देखिए, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी कुछ भी नहीं बताई गई है, फिर भी आप 10th से 12th तक आपके पास होना ही चाहिए। अब देखिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपके आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो सबसे बढ़िया है, अगर लिंक नहीं है तो आपको अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा लेना है। अब देखिए, बेसिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए बिजनेस को करने के लिए, कि कैसे कस्टमर से डील करना है, कैसे आपको कंप्यूटर लैपटॉप ऑपरेट करना है, सब कुछ आपके पास थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर अपना बेस्ट दे पाएं। अब देखिए, लास्ट में यहाँ पर पैशन फॉर वर्क, यहाँ पर देखिए जो भी काम रहेगा आपका जो कमीशन पे रहेगा यहाँ पर, जैसे कि आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे या कस्टमर का जो बिल भुगतान करेंगे या कोई भी रिचार्ज करते हैं या उसकी केवाईसी करेंगे, तो आप यहाँ पर जितने नंबर आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे उतना आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपका कमीशन बेस्ड पूरा रहेगा। तो आपके पास एक पैशन होना चाहिए अधिक से अधिक काम करने का, तभी आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो रहता है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट रहता है। अब देखिए, इसके लिए कैसे क्या करना है, आप सबसे पहले देखिए इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, जो केवाईसी पॉइंट दिया यही बीसी पॉइंट होता है, दोनों एक में ही मर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा पेटीएम का। आप किसी भी अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन नहीं भरिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसका मिसयूज हो सकता है। आप देखें यहाँ पर पेटीएम के वेबसाइट पे, यहाँ पर paytmbank.com इसकी वेबसाइट पर आप यहाँ पर आएंगे और यहीं से आपको पूरा अपना एप्लीकेशन भरना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर ऐसा भरेंगे जिससे कि वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम भरना है जैसे कि आपके आधार कार्ड में। यहाँ पर देखिए, आपका बिजनेस एड्रेस रहेगा, जो भी आपके शॉप का नेम है वो आप भरेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड भरेंगे, जो अभी आपका पिन कोड है, एरिया पिन कोड, और यहाँ पर आपका स्टेट रहेगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको यस करना होगा कि आपके पास कोई फिक्स आउटलेट है, यानी कि आपके पास शॉप है, तो इसे आप यस ही करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे, आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर सर्विस पॉइंट फॉर एनी अदर बैंक, अगर आप यहाँ पर यस कर देंगे तो आपको ये सर्विस नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे नो करना होगा। ये सब करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर ये थैंक यू का मैसेज आएगा और यहाँ पर बताया जाएगा कि इनकी टीम बहुत जल्दी आपको संपर्क करेगी, आपकी जो डिटेल है उसे चेक करेगी और आपको जो नंबर दिया गया है आपका उस पर ये बहुत जल्दी कॉल करेंगे। देखिए, यहाँ पर वैसे तो आपके पास 15 से 20 में कॉल आ जाती है, परंतु कभी कभी हो जाता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेट करना होगा। यहाँ पर आप बार बार एप्लीकेशन नहीं करिएगा, जिससे कि आपके मल्टीपल जो एप्लीकेशन हो जाते हैं उनके पास, तो वो स्पैमिंग में आपका चला जाता है। तो आप यहाँ पर एक दो बार पहले एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, 15 दिन 20 दिन का वेट करेंगे, अगर फिर से नहीं होता है तो आपको यहाँ पर फिर से एक बार एप्लीकेशन करना है और तो आपका यहाँ पर आपको कॉल आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर वेट करना है। देखिए, जब आपके पास कॉल आएगी पेटीएम की तरफ से तो आपके एरिया का पूरा लोकेशन देखेंगे और वो पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सब कुछ वो यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद आपके बीसी पॉइंट के लिए वो लीड जनरेट कर देते हैं। उसके बाद जो आपके फील्ड में जो पेटीएम के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो आपके एरिया में आएंगे, आपकी शॉप को विजिट करेंगे और वहाँ पर वो अप्रूवल दे देंगे। जैसे अप्रूवल मिलता है आपका यहाँ पर जो केवाईसी पॉइंट और बीसी पॉइंट की आईडी आपको मिल जाती है। केवाईसी पॉइंट बीसी पॉइंट की आईडी मिलने के बाद आप देखेंगे
इस वाली वेबसाइट पर आप आएंगे partner.paytmbank.com, यहाँ से आपको इस तरीके से आपको जो आईडी दी जाएगी, आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका पासवर्ड रहेगा, यहाँ से आप साइन इन कर पाएंगे। देखिए अब इनका कमीशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए केवाईसी स्लैब 1 से 5 करेंगे तो आपको 25 रुपये मिलेगा, और यहाँ पर पैन कार्ड के साथ करेंगे तो आपको यहाँ पर 35 रुपये का कमीशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए 6 से 10 करेंगे तो भी यहाँ पर आपको 25 रुपये बेस पे आउट है, और आप पैन कार्ड के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा स्कीम पे आउट के साथ, यहाँ पर 15 रुपये हो जाता है। यहाँ पर जो कम जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पर उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर जो कमीशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए इनकी स्कीम जो रहती है वो चेंज होती रहती है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 से 3 जून 2022 तक थी, अब यहाँ पर फिर से अपडेट हो गई होगी, परंतु यहाँ पर वेबसाइट पर इन्होंने अपडेट नहीं की हुई है। अब आप यहाँ पर विड्रॉल करेंगे तो उसके लिए जो कमीशन रहेगा आपका यहाँ पर देखिए 100 रुपये से 499 रुपये तक आपको स्लैब जो पे आउट रहेगा 25 पैसे, और आपको एडिशनल जो स्कीम पे आउट 25 पैसे मिल जाएगा, और तो आपका यहाँ पर टोटल 50 पैसे हो जाएगा। 500 से 999 तक 1.5 रुपये आपको मिलेगा, 1.5-1.5-3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे जितना ज्यादा आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे उसी तरीके से आपका यहाँ पर कमीशन भी बढ़ता जाएगा। देखिए 3000 या उससे ऊपर तक यहाँ पर देखिए 14 रुपये का आपको कमीशन दिया जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना पेटीएम में जो पूरा ट्रांजेक्शन जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना अधिक से अधिक आपको यहाँ पर कमीशन भी मिलने वाला है। तो मैंने पहले ही बताया था आपके पास एक पैसन होना चाहिए काम करने के लिए, तभी आप यहाँ पर काम अच्छे से कर पाएंगे और मंथली यहाँ पर आप 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से यहाँ पर अर्न कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो में जो प्रोसेस बताया गया समझ आ गया होगा, या फिर भी कोई समस्या प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाएगा, कमेंट करिएगा, हम उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।